आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फागुन महीने का क्या महत्व है, कब तक रहेगा फागुन महीना, क्या कर सकते हैं इस फागुन महीने में। तो फागुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू साल का आखिरी महीना होता है। 2022 में फागुन का महीना 17 फरवरी से शुरू होगा और 18 मार्च तक रहेगा। फागुन के बाद चैत्र महीने की शुरुआत होती है। फागुन महीना देखा जाए तो आनंद और उल्लास का महीना है। इस महीने से ठंड कम होना शुरू होती है और गर्मी की शुरुआत होने लगती है, जिसके कारण मौसम अति रोमांटिक हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। आध्यात्मिक रूप से भी फागुन महीने का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें अनेक महत्वपूर्ण दिन हमें मिलते हैं जब हम लोग जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए विशेष पूजा पाठ और साधना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि फाल्गुन के महीने में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन मिलने वाले हैं। तो 24 फरवरी को सीता अष्टमी का दिन है, जब माँ सीता की पूजा होती है विशेष रूप से। 26 फरवरी शनिवार को एकादशी का व्रत रहेगा। 1 मार्च फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनेगा। 2 मार्च बुधवार को अमावस्या को पितृ कृपा के लिए पूजाएं होंगी। अमाल की एकादशी का व्रत 14 मार्च सोमवार को होगा। होली का दहन 17 मार्च की रात्रि को होगा और होली का त्यौहार 18 को मनेगा। पुराणों के अनुसार फागुन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की उत्पत्ति भी हुई थी, इसी कारण इस महीने में चंद्रदेव की भी विशेष आराधना होती है, जीवन में प्रेम स्वास्थ्य संपन्नता को प्राप्त करने के लिए। आयुर्वेद के अनुसार फाल्गुन महीने में शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होता है और जीवन का आनंद ले पाता है। फागुन के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा भी होती है और मान्यता है कि अगर सुगंधित जल और दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया जाए इस महीने में तो जातक पापों से मुक्त हो जाता है। फागुन का महीना देखा जाए तो सभी के लिए उपयुक्त है, और अगर आप ज्ञान चाहते हैं, अगर आप प्रेम चाहते हैं, अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर पारिवारिक सुखों को बढ़ाना चाहते हैं तो इस महीने में साधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की भी पूजा का विशेष महीना होता है फागुन का। आइए अब जान लेते हैं कुछ खास उपाय जो कि फागुन महीने में किए जा सकते हैं जीवन में से परेशानियों को हटाने के लिए। अगर जीवन में प्रेम की समस्या से आप ग्रस्त हैं तो पूरे महीने में राधा कृष्ण की साथ में पूजा करें और उनको रोज सुगंधित फूल अर्पित करें। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से बीमारी होती है आपको तो रोज नहाने के पानी में गुलाब जल और गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल के स्नान करें। अगर कुंडली में चंद्रमा खराब हो या कमजोर हो तो ऐसे में रोज चंद्रमा के किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं फाल्गुन के पूरे महीने में रात्रि के समय, और साथ ही रात्रि को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ा सा समय जरूर बिताएं। अगर शत्रु बहुत परेशान कर रहे हो तो ऐसे में पूरे फाल्गुन के महीने में शिवलिंग का अभिषेक भांग से करें। अगर धन का संकट बहुत गहरा रहा हो तो ऐसे में श्री सूक्तम का रोज पाठ आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को रोज आप सुगंधित फूल जरूर चढ़ाएं। अगर पितृ दोष हो कुंडली में तो आप जल में तिल डाल के रोज भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में आप बाल गोपाल की पूजा आराधना कर सकते हैं पूरे फागुन के महीने में। तो इस प्रकार देखा जाए तो फागुन के महीने में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ उपाय कर सकता है अपने जीवन में से परेशानियों को हटाने के लिए। फागुन का महीना खुशियों का महीना है, आनंद मनाने का महीना है, साधकों के लिए साधना करने का महीना है, पारिवारिक खुशियों को बढ़ाने का महीना है,
भगवान शिव, भगवान विष्णु, चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने का महीना है। तो फाल्गुन महीने का ज्योतिषीय महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है, भौतिक महत्व भी है। आप पुरुष हैं, महिला हैं, प्रेमी हैं, बच्चे हैं, आप कोई भी क्यों ना हो, फाल्गुन महीना सभी के लिए कुछ ना कुछ लाता है। इसीलिए सभी इस महीने में खुशियां बांटते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। तो इस महीने का आप उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको इस फाल्गुन महीने की पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसकी पूरी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे पढ़ भी सकते हैं और प्रयोगों को करके अपने जीवन में से परेशानियों को हटा भी सकते हैं। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।